हाय दोस्तों, तो भाई इन्फिनिक्स ने इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है एक और नया फोन इन्फिनिक्स S5 Lite। तो आज करूंगा मैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं और साथ ही साथ जल्दी से इसे कंपेयर करके देखेंगे इन्फिनिक्स के ही S5 और Hot 8 से, देखेंगे क्या चीज़ें आपको बेटर मिल रही हैं, क्या चीज़ें आपको खराब मिल रही हैं और अगर आप ये फोन खरीदने का सोच रहे हो तो आपको कौन सा इन्फिनिक्स का फोन खरीदना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रुकिए, वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये फोन के बॉक्स कंटेंट्स, आपको एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है और ये 10 वॉट चार्जिंग ब्रिक नहीं है, यहाँ पे जो इसका आउटपुट दिया हुआ है 6 वॉट का आउटपुट है। आपको मिल जाती है अपनी चार्जिंग केबल जो माइक्रो यूएसबी टाइप है, एक बहुत ही अच्छा सा आपको ट्रांसपेरेंट केस मिलता है और यहाँ पे पीछे आप देखोगे काफी अच्छा सा पैटर्न बनाया हुआ है इन्फिनिक्स ने जो आपके फोन को एक काफी अलग सी लुक दे देता है। और फाइनली इन्फिनिक्स ने ऐड किया हुआ है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी, तो आपको अलग से ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। ये है नया इन्फिनिक्स S5 Lite और जैसा हमें नाम से पता चल रहा है ये इन्फिनिक्स S5 का एक लाइट वर्जन है, मतलब एक सस्ता वर्जन है। यहाँ पे अगर बिल्ड क्वालिटी डिजाइन की बात करूं तो आपको काफी प्लेन सी बैक मिल रही है, प्लास्टिक बिल्ड है। और जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं इन्फिनिक्स के और फोन से, तो ये है इन्फिनिक्स S5 और ये है इन्फिनिक्स S5 Lite। तो सबसे पहली चीज तो S5 पे ये जो आपको अच्छा सा ग्रेडियंट पैटर्न मिलता है वो आपको S5 Lite पे नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज, S5 की बैक थोड़ी सी कर्व्ड है साइड से, तो आपको हाथ में पकड़ने में थोड़ी आसान रहती है। यहाँ पे एकदम फ्लैट है, हल्का सा आपके हाथों में लग सकती है अगर आपके हाथ बड़े नहीं है। इन्फिनिक्स Hot 8 से भी कंपेयर करके सेम चीज आप नोटिस करोगे, एक तो ग्रेडियंट पैटर्न आपको मिल रहा है Hot 8 में, दूसरी चीज कर्व्ड बैक मिल रही है, थोड़ा पकड़ने में आसान रहता है। इसके अलावा जो साइज वेट वगैरह है ऑलमोस्ट बराबर सा है तीनों फोन्स का। तीनों फोन्स पे पावर बटन वॉल्यूम रॉकर आपको राइट साइड पे मिलते हैं। तीनों फोन्स पे आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन मिल जाता है ट्रिपल स्लॉट के साथ। तीनों फोन पे आपको हेडफोन जैक और माइक्रो यूएसबी पोर्ट नीचे मिल जाएगा। अब आगे की साइड आ जाए तो यहाँ पे आपको दिखता है फोन का जो मेन फीचर है वो है इस फोन का ये पंच होल डिस्प्ले। LCD स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल रही है, HD रेजोल्यूशन की स्क्रीन है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन नहीं है। बट यहाँ पे इन्फिनिक्स पहली कंपनी बन गई है अंडर 10,000 पंच होल डिस्प्ले वाला फोन निकालने वाली, और पंच होल डिस्प्ले के साथ भाई ऑब्वियसली बहुत अच्छी फील आती है आपको स्क्रीन पे देखने में। इन साइड बेजल्स काफी कम से हैं, चिन आपको थोड़ी सी देखने को मिल जाएगी, फिर भी मैं कहूंगा इस फोन के प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छी दिखने वाली आपको स्क्रीन मिल रही है। एक्चुअल स्क्रीन परफॉर्मेंस की बात करूं तो ब्राइटनेस मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, तो शायद अगर आप बाहर धूप में यूज करोगे फोन तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। बट उसके अलावा जो रेजोल्यूशन है उससे ज्यादा फर्क आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, और वीडियो वगैरह देखते हुए आपको काफी अच्छी लगने वाली है ये स्क्रीन। यहाँ पे अगेन कंपेयर करके देखते हैं तो S5 Lite और S5 के पास जो एडवांटेज है, यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है तो ऊपर से देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है ये स्क्रीन एक्सपीरियंस, जबकि Hot 8 में आपको नॉर्मल एक नॉच मिल जाता है वाटर ड्रॉप। बट स्क्रीन परफॉर्मेंस की आप बात करो तो Hot 8 की स्क्रीन मुझे थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट लगती है यहाँ पे दोनों S5 और S5 Lite से। और एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो है Infinix Hot 8 के पास कि यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट सेंसर मिल रहा है, तो आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का यूज कर सकते हो, तो लाइट के हिसाब से ब्राइटनेस थोड़ी बहुत एडजस्ट होती है, जबकि S5 Lite और S5 पे आपको एम्बियंट लाइट सेंसर नहीं मिलता है, अपने आप ही करनी पड़ेगी ब्राइटनेस एडजस्ट जब भी करनी है। इसके अलावा एक और चीज जो एक्स्ट्रा है Infinix Hot 8 में कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट साउंड का सपोर्ट मिलता है, इससे बेसिकली स्पीकर से जो आपकी आवाज आ रही है और हेडफोन में जो आपकी आवाज आ रही है थोड़ी सी बेटर होती है, और ये चीज Infinix S5 और S5 Lite दोनों से मिसिंग है। और ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि यहाँ सबसे सस्ता फोन है इसमें थोड़े ज्यादा फीचर्स हैं और जो महंगे वाले वर्जन है उसमें कम चीजें हैं, बट एक्चुअली ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे मिली थी और वो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, Infinix S5 और Hot 8 का पूरा कंपैरिजन किया था, अगर आप ये फोन खरीदने का सोच रहे हो तो वो वीडियो जरूर देख लेना भाई। अब इंटरनल्स पे आ जाते हैं तो Infinix S5 Lite में भी हमें मिलता है 4GB 64GB मॉडल, बाकी दोनों फोन में भी सेम मिलता है। जो प्रोसेसर है वो भी एकदम सेम है P22। Infinix ने मुझे लग रहा है थोक में P22 खरीद के रखे हैं और अगले 4 साल तक हमें सेम प्रोसेसर चिपकाने वाला है Infinix। अगर आपको ये प्रोसेसर के बारे में पता नहीं है तो भाई ठीक ठाक बजट प्रोसेसर है, डेली के काम आपके ठीक ठाक हो जाएंगे, बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इस पे गेमिंग करोगे ज्यादा वो सब नहीं होगा। और गेमिंग वाला टेस्ट भी मैंने पूरा पबजी वाला करा हुआ है, वो भी आप देख सकते हो इस वीडियो पे, यहाँ पे मैं आपको दोबारा करके नहीं दिखाऊंगा भाई, सेम चीज है, पबजी चल जाता है बहुत मर के चलता है। सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं तो भाई यहाँ पे आपको मिल रहा है एंड्रॉइड 9 पाई ऊपर से मिल रहा है, XOS जिसका नाम चीता भी है Infinix का अपना सिस्टम। अब यहाँ पे आपको फीचर्स ठीक ठाक मिल जाते हैं, आप जेस्चर सिस्टम यूज कर सकते हो, आपको थीम्स वगैरह सेट करने का पूरा ऑप्शन मिल जाता है, गेमिंग मोड आपको एक मिल जाता है गेम परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव करने के लिए, और एक सोशल टर्बो फीचर आपको मिलता है जिससे आप WhatsApp में काफी सारी नई चीजें कर सकते हो। जैसे WhatsApp वीडियो कॉल में आप ऑटोमेटिकली ब्यूटी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, अपने दोस्तों के WhatsApp स्टेटस वगैरह आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो Infinix S5 Lite में भी आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, S5 में भी 4000 है,
जबकि Infinix Hot 8 में 5000 mAh की बैटरी है। Infinix Hot 8 का मैंने बैटरी टेस्ट करा हुआ है, वो वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। Infinix S5 Lite का अगर आप बैटरी टेस्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट छोड़ना भाई, इनका भी बैटरी टेस्ट जरूर कर दूंगा। पर बेसिक बात यह है कि Infinix Hot 8 में आपको बैटरी लाइफ भी बहुत बेटर मिल जाएगी S5 और S5 Lite दोनों से ही। चार्जिंग स्पीड का जैसे मैंने आपको बताया भाई, Infinix S5 Lite में 6 वॉट का चार्जर मिल रहा है, 10 वॉट का चार्जर भी यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है जो बाकी दोनों फोन में मिल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह जाता है ये बाकी दोनों फोन से। तो अभी तक तो मोस्टली सारी चीज़ सेम ही है Infinix S5 Lite और Infinix S5 में, पर डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? तो डिफरेंस जो आता है सबसे बड़ा वो आता है इनके कैमरा सिस्टम जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो Infinix S5 Lite में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक VGA कैमरा है जो शायद आपको लो लाइट में थोड़ी हेल्प करता है। यहाँ पे आपको प्राइमरी कैमरा सेम है 16 मेगापिक्सल का, डेप्थ सेंसर सेम है। यहाँ पे जो आपको एक एक्स्ट्रा लेंस मिल रही है वो है 5 मेगापिक्सल की वाइड एंगल लेंस, बट उसको जब मैंने टेस्ट किया था तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, बहुत ही बेसिक लेवल की, आप समझ सकते हो कि कभी कभार आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब Infinix Hot 8 से इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, तो ऑन पेपर S5 Lite में थोड़ा बेटर कैमरा है, बट अगेन अगर आप कैमरा शॉट्स देखोगे तो भाई 19-20 का फर्क है, बहुत ही मुश्किल है कुछ भी फर्क बताना। और मेरे हिसाब से आप मान सकते हो कि कैमरा परफॉर्मेंस आपको एकदम बराबर मिलेगी S5 Lite और Hot 8 में। फ्रंट कैमरास की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ है जो S5 Lite में डिफरेंट है। Hot 8 में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, S5 Lite में आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है, और S5 में हमें मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बट अगेन ये भाई नंबरों पे जाने वाली बात है, अगर आप एक्चुअल सेल्फी परफॉर्मेंस का भी कंपैरिजन देखोगे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क मुझे लगा नहीं। पूरे कैमरा एक्सपीरियंस में बस आप एक चीज़ डिफरेंट मान सकते हो कि Infinix S5 में एक वाइड एंगल लेंस है जबकि इन बाकी दोनों फोन्स में वाइड एंगल लेंस मिसिंग है। इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक दोनों चीज़ मिल जाती हैं। दोनों चीज़ आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। पहले करते हैं फेस अनलॉक, काम तो सही से कर रहा है बट आई थिंक हल्का सा टाइम लेता है अनलॉक होने में, रेडमी रियलमी की तरह एकदम इंस्टेंटेनियस अनलॉक नहीं हो रहा है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी ट्राई करके देख लेते हैं, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब अनलॉक तो कर रहा है बट थोड़ा लंबा रखनी पड़ रही है यार उंगली, वरना एकदम छूते ही अनलॉक हो जाती हैं जनरली चीज़ें। तो ये थे भाई मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस Infinix S5 Lite के बारे में, और मैंने जल्दी से आपको कंपेयर करके भी दिखा दिया है Hot 8 और S5 से। अब अगर बात करें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए तो यहाँ पे आपको मैं प्राइसिंग बताता हूँ इन फोन्स की। सबसे सस्ता फ़ोन है Hot 8 जो 7000 का है, S5 Lite है 8000 का और S5 है 9000 का। प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर यहाँ पे तीनों पे सेम है तो परफॉर्मेंस में यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है। एक्स्ट्रा चीज़ आपको क्या मिल रही है Infinix S5 में कि आपको एक वाइड एंगल लेंस मिल रही है और आपको पंच होल वाली डिस्प्ले मिल रही है। अब S5 से आप S5 Lite पे शिफ्ट हो जाओ, 1000 रुपये आपको सस्ता पड़ेगा, और यहाँ पे सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी जो वाइड एंगल लेंस है वो गायब हो गई है। और Infinix Hot 8 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको मिल रही है बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरी, बहुत ज़्यादा बैटरी लाइफ, और एम्बियंट लाइट सेंसर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, डिराक साउंड आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आप मुझसे अगर पूछोगे कि इन तीनों में से कौन से फ़ोन लेने का सबसे ज़्यादा सेंस है, तो मैं तो चूज़ करूँगा Infinix Hot 8। परफॉर्मेंस और बड़ी बैटरी लाइफ आपको मिल रही है और सिर्फ 7000 रुपये में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। पर अगर आपको पंच होल डिस्प्ले का शौक है और अगर आप एक पंच होल डिस्प्ले वाला फ़ोन लेना चाहते हो तो आप Infinix S5 Lite कंसीडर कर सकते हो सिर्फ 1000 रुपये एक्स्ट्रा में। बाकी कुछ चेंज नहीं होगा बट आपको एटलीस्ट पंच होल वाला डिस्प्ले मिल जाएगा। बात करूं Infinix S5 की तो यार ये तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल वर्थ इट है, कि पंच होल डिस्प्ले ही इसका एक मेन फीचर था, वो चीज़ अब Infinix S5 Lite में भी आपको मिल जाएगी। बाकी कैमरा परफॉर्मेंस में कुछ ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा आपको नहीं मिल रही है। और अगर आप 9000 रुपये लगाना चाह रहे हो Infinix S5 खरीदने में तो 9000 रुपये में आपको बाकी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी, बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। Infinix के फ़ोन मुझे थोड़े थोड़े अच्छे लगने लगे हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि उन्होंने पंच होल डिस्प्ले को इतने कम प्राइस सेगमेंट में लेके आ गए हैं। एक चीज़ जो बस मैं चाहता हूँ कि भाई वो चेंज कर लें, कि प्रोसेसर चेंज करना शुरू कर दें, P22 बहुत पुराना हो गया है, प्लीज़ आप 8-9000 के फ़ोन में P22 देना बंद करो, कम से कम P70, P65, इतने सारे अच्छे मिड रेंज प्रोसेसर्स हैं जिसपे हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी गेमिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी वैसा डाल दो तो ये काफ़ी अच्छा एक फ़ोन बन सकता है। इस फोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि यहाँ पे आपको मिल रहा है P22 प्रोसेसर। तो इस वीडियो के लिए भाई इतना ही, आप बताओ वीडियो कैसी लगी और कैसा लगा आपको Infinix S5 Lite, और आपको क्या लगता है कि S5 या Hot 8 से बेटर है ये खरीदना या फिर कोई और फ़ोन खरीद लेना चाहिए, और क्या कंपैरिजन और कौन से टेस्ट आपको देखने हैं भाई नीचे मुझे कमेंट करके बताते रहना। चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए